हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मैंने हेयर को वॉश कर लिया है, मैंने भी प्लेन वाटर से वॉश किया है, मैंने शैम्पू का यूज़ नहीं किया है। नेचुरल कलर के बाद हम बात करेंगे ड्राइनेस की। इसके बाद भी अगर आपको फील हो रहा है कि आपके हेयर बहुत ड्राई हैं, तो आपको आज मैं एक बहुत ही अच्छा मास्क बताने वाली हूँ। उसे कैसे बनाना है, क्या क्या मिक्स करना है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, मास्क को रेडी करते हैं। अब मैं बताती हूँ कि मास्क को कैसे रेडी करना है। ये मेथी दाना, इसे मैंने रात भर के लिए पानी में भिगो दिया था। मेथी दाना बहुत अच्छे से फूल गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। ये मैंने 4 चम्मच लिया था, फूल का डबल हो गया है। इसके बाद मैंने लिया है 1 कप दही। ये घर की जमी हुई दही है, एकदम से थिक है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हनी। तो सबसे पहले ग्राइंडिंग जार लेते हैं, इसमें मेथी दाना को ऐड करेंगे। इसका हमें एकदम से फाइन पेस्ट बनाना है। इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच शहद। तो मैंने इसका पेस्ट बनाया था, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके दही को ऐड करेंगे। तो स्टार्टिंग में इसमें 2 चम्मच दही डालेंगे। तो मैंने इसका एकदम से फाइन पेस्ट बना लिया है, इसमें अब थोड़ा सा दही और ऐड करेंगे। दही की क्वांटिटी को थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। तो हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। आप चाहे तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसे बोल में निकाल लेती हूँ। तो मैंने इसे पानी से थोड़ा सा धोकर इसमें पानी ऐड किया है। तो हमारा मास्क बिल्कुल रेडी है, इसे लगा लेते हैं। इसे हमें पूरा स्कैल्प से पूरा नीचे लोअर लेंथ तक अप्लाई करना है। तो चलिए इसे लगाने के बाद मिलते हैं। सो फाइनली मैंने मास्क को अप्लाई कर लिया है। आपको स्कैल्प पर भी लगा के इसे हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है, मैंने भी की है। इसे लगाना बहुत इजी होता है और ये बिल्कुल भी गिरता नहीं है, तो आपको कपड़े वगैरह चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो इसे पॉलीथीन से ही कवर करती हूँ, क्योंकि मुझे इसे बाद में वॉश नहीं करना पड़ता है। यूज़ करने के बाद मैं इसे थ्रो कर देती हूँ। यस, हेयर को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेयर को कवर नहीं करेंगे तो आपके रूट्स ड्राई होने के बाद ज़्यादा टूटेंगे। जब आप वॉश करेंगे तो आपके जड़ से बाल बहुत ज़्यादा टूटेंगे। तो कुछ भी हेयर पर अप्लाई करने के बाद उसको ड्राई नहीं होने देना है, इसे तुरंत से कवर करना है। चलिए आपको इसका रिजल्ट वॉश करने के बाद दिखाएंगे, जो भी होगा। अगर आप मेहंदी को अप्लाई भी नहीं करते हैं, उसके बाद भी आपके हेयर ड्राई हो रहे हैं, या कभी आपके हेयर बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, झाड़ू जैसे हो रहे हैं, तो आप इस मास्क को ज़रूर अप्लाई करें। आप इसे 7 डेज में वीकली अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे 7 डेज के अंदर अप्लाई करें और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो मैंने हेयर को कर लिया है वॉश, देखिए कितना अच्छा कलर आया है और हेयर एकदम से शाइनी भी है। अगर मैं आपको धूप में दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कितना अच्छा कलर आया है। प्रॉपर लाइटिंग होगा तो बहुत अच्छे से कलर दिखेगा। तो आप भी इस मास्क को और इस कलर को ज़रूर यूज़ करें, और आपका कैसा रिजल्ट आया आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे।